हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा। ये शायद मैंने आप लोगों को सेल साइकिल के अंदर इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था कि एंजाइम्स G1 फेज में बन रहे होते हैं, याद आया। वही डिस्कस करने वाले हैं आज हम कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारे पास पूरा का पूरा एंजाइम्स का ही है। इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या होंगी, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ मॉडल है जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ट्रस्ट में, ठीक है। सो इसकी स्पेसिसिटी हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक क्यों है, मतलब स्पेसिफिकिसिटी हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, तो वो स्पेसिफिसिटी जिसकी है वो क्यों है, मतलब इसने हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस करना है। और ये डायग्राम बहुत मज़े की बनी हुई है, ठीक है जी, और इसको हम इंशाल्लाह अपने थंबनेल में यूज़ करेंगे। तो 108 पेज है आपकी बुक का, उसको आप लोगों ने खोल लेना है और वीडियो सुनते रहना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और मैं देख लूँ ज़रा ये कितना बड़ा चैप्टर है, और ये इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सो लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी, देयरफॉर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, क्या हो रहा होता है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। आप जैसे ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो, ठीक है, तो इसके दरमियान में किस तरह से हमारे पास HCO3 बन रहा होता है, किस तरह से वो लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, फिर बैकग्राउंड में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ हमारे पास नाम ही एक्टिविटी का है। आपकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को जो कि आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड दिस फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और इस पूरे के पूरे फिनोमेना को, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हमने बोल दिया कि ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। तो द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी की होती हैं वो क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, या तो वो हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं या वो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसको मैं थोड़ा समझा लेती हूँ आपको। तो इस पैरा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया है कि ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पर उनको आसान वर्ड्स में, मतलब मैं जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ वो थोड़े मुश्किल हैं, यहाँ पर आपके लिए जो आसान टर्म्स हैं आपकी बुक वालों ने लिखे हैं। कंस्ट्रक्टिव होते हैं वो जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे पास या तो कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, मतलब बन रहा होता है। कंस्ट्रक्टिव वर्ड निकलता है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ बिल्डअप होना, बनना, तो इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज़ बनेगी जब भी ये रिएक्शंस होंगे, तो मतलब इसके रिजल्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रही होगी, और डिस्ट्रक्टिव क्या करेगी, वो हमें थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है जी। मतलब डिस्ट्रक्टिव होते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ हो रहा होगा। तो वर्ड्स एक्चुअली देखें जी, जो मैंने ट्रामा अभी यूज़ किया था वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखें कितना सही बताती हूँ। तो इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बॉडी। मैंने आपको क्या बताया कि क्या बनाना होता है, इनका मकसद होता है कि स्ट्रक्चर बनाना है, कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, किस लिए बन रहे होते हैं, सेल बॉडी या सेल या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। और इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव हैं, तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, और हम इसको एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इसके ऑपोजिट हम बात करें, जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ताकि एनर्जी हमारी क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके या फिर यूटिलाइज हो सके, और टू डिस्कार्ड, तो इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है या आपको देनी पड़ रही है, तो ये एक तरह से नुकसान है आपको किसी को
कुछ देना पड़े या फिर बॉडी की कोई चीज़ बाहर निकले, तो ये भी नुकसान ही है ना एक तरह का। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, मतलब के डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। इस तरह के रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हमने रिएक्शंस पढ़े हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमने पढ़ा कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक कैसे होते हैं, जिनके अंदर कोई ना चीज़ किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, और दूसरी क्या हो रही होती है कि या तो हमारे पास एनर्जी देनी पड़ेगी या उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, और उनको हम डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, कैटाबॉलिज्म भी कह रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह रहे हैं। ऑब्वियसली हैं बेसिकली ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस, बट इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, या फिर इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ आर द टाइप ऑफ व्हाट, मेटाबॉलिज्म। द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशंस टू कैरी आउट, टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट, स्पेसिफिक स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, इनके होने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, एक पर्टिकुलर रेट रिक्वायर्ड होता है। अगर वो ठीक से ना हुआ तो क्या हो रहा होता है, वो रिएक्शंस अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। एक मैक्सिमम आपको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है। पीएच क्या होती है, हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, और हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल हम इंट्रो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इतना डिटेल में मत जाएं। बस आपने इसकी फुल फॉर्म सुन ली, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए बहुत है 9th क्लास के लेवल पर, और फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पीएच इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, कि बॉडी का हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटेन नहीं हुआ होगा कि हमारे रिएक्शंस परफॉर्म ठीक से नहीं हो सकेंगे। इसी तरह से रेट, उसकी जो रफ्तार होती है रिएक्शंस की, वो भी ठीक होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, तो वो होना भी क्या है, लाजमी है। फिर क्या है, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सेल और ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड नॉट सुटेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो जो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के लिए जो कंडीशन है, जो कि हमारे पास ऑप्टिमम है, मतलब कि क्या है, जितनी जहाँ पर जो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली नहीं पाई जाती। सो इनसाइड ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, 120 डिवाइडेड बाय 80 मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है। HG हमारे पास मर्करी होती है। सो दीज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट इनफ टू परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये जितना टेम्परेचर है, ये जितना हमारे पास प्रेशर है, ये हमारी बॉडी के लिए जो अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके परफॉर्म होने के लिए इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो क्या हो रहा है, परफॉर्म एनी रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन राइजेज, हाउ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन अकर विदाउट अल्टरिंग दीज कंडीशन। अगर टेम्परेचर में तब्दीली आई, इससे ज़्यादा हुआ तो आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर में तब्दीली आई तो आपका जो प्रेशर है वो इंटरनली ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी नुकसान देगा। इसलिए इनको चेंज किए बगैर, इनको अल्टर किए बगैर, किस तरह से हमारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आ रहा होगा। यही चीज़ हमने डिस्कस भी करनी है, ठीक है। नाउ बॉडी रिक्वायर्स, तो बॉडी को क्या होता है, कुछ फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत होती है। तो फैसिलिटेटर्स क्या कर रहे होते हैं, ये हेल्प करते हैं बायोकेमिकल, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनको परफॉर्म होने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, टू लो एनर्जी, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या क्या आती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर उसकी मिकदार को कम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, तो आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर चेंज किए बगैर वो केमिकल रिएक्शंस नॉर्मली क्या हो रहे होते हैं, ठीक से परफॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं। सो अबव डिस्कशन से हमें यही पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी जो होती है वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जिसका मैंने आपको बताया कि वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। सो इफ़ द अमाउंट इज़ हाई द डिफ़िकल्ट इफ़ दिस अमाउंट इज़ हाई द डिफ़िकल्ट विल बी
द रिएक्शन और वाइस वर्सा, अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा, उतना केमिकल रिएक्शन का स्टार्ट होना, उतना केमिकल रिएक्शंस का परफॉर्म होना मुश्किल। इसी का उल्टा कर दें तो मतलब जितनी हमारे पास एनर्जी कम एक्टिवेशन एनर्जी, उतना ईजीली हमारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है सेल की। ठीक है, जैसे आपको पैसे देते हैं ना आपके घर वाले कि जाओ ये कुछ खा लो, कुछ पी लो, ब्रेक में कुछ खा लेना, उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है जो कि एक ऑर्गनली होती है, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि वो ATP बनाती है। ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADENOSINE, फिर POSPHATE, तो ये फॉस्फेट हो गए। ठीक है, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ना है तो। इनिशियली क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसे, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, मतलब आपको 2 रुपये रिक्वायर्ड होते हैं एनर्जी के। वो जो हमने कहा ना कि आपको जैसे पैसे मिलते हैं, इसी तरह से सेल को माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एज अ करेंसी के तौर पर ATP बना के देती है, इसको खर्च करना जहाँ जहाँ तुम्हें नीड पड़े। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सो द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन energy cannot be provided by organism itself, therefore they require some facilitators to reduce this activation energy. क्योंकि high energy होगी तो वो क्या होगा, reaction perform ठीक से नहीं होगा, तो इसलिए cell को क्या होते हैं, कुछ facilitators जो उनकी help करें। ठीक है, वो required होते हैं ताकि activation energy क्या हो सके, reduce हो सके। और उन जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे केमिकल रिएक्शंस, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इजीली परफॉर्म हो रहे हैं, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, ये जो सारा सीन करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी प्रोसेस डिस्क्राइब किया, ये कौन होते हैं, ये सब करवाने वाले एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये क्या होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, और ये क्या करवा रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। कैसे परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे होते हैं उनसे। ये जो एंजाइम है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका जो फर्स्ट ENN है उसका मतलब होता है इनसाइड, जाइम का मतलब होता है यीस्ट, मतलब इनसाइड यीस्ट। तो ये जो नेम है, ये सबसे पहले हमने का किसने दिया था, सो द नेम वॉज क्वाइन ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट इन फ्रूट सैप विच कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अच्छा जी, फ्रूट सैप, हम आपने अक्सर सुना होगा, जो अल्कोहल होती है वो हमारे पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू फ्रूट्स से ही बनाई जाती है, पोटैटो से भी बनाई जाती है, बट बेसिक जो हमारा कॉम्पोनेंट होता है ना अल्कोहल का, वो फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट से क्या की जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। तो इन्होंने फ्रूट कौन सा लिया है, हमारे पास फ्रूट्स का जो सैप होता है ना, सैप वाला एरिया लिया है, उसको उन्होंने क्या किया है, कन्वर्ट किया है अल्कोहल के अंदर। तो ये पहली दफ़ा ऑब्जर्व कहाँ किया गया था, ये पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया गया था यीस्ट के अंदर। ठीक है, जब यीस्ट क्या होता है, हमारे पास खमीर होता है, तो उसके अंदर ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, इसलिए उसका नाम उसी पे रख दिया उन्होंने, यीस्ट पर। सो दैट नाउ एंजाइम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करवाना। रिएक्शंस कैसे स्पीड अप होंगे, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। वो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स ने कम करवाई। एंजाइम करने से एंजाइम्स की एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम्स ने कम करवाई, उस कम होने की वजह से क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस ठीक से परफॉर्म होंगे। जब वो ठीक से परफॉर्म होंगे तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शंस क्या हो गए, उनकी रफ्तार ठीक हो गई। ठीक है, अब वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी आपको शो कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी पे अब वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी। तो ये क्या हुए, बायो कैटलिस्ट हुए, एक तरह से रिएक्शंस को हमने स्पीड अप कर दिया है, विच फैसिलिटेट्स
the chemical reactions by lowering activation energy. We had already discussed this, so I'm not going to repeat it. Alright, so this action of enzymes allows biochemical reactions to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organisms. ये जो action of enzymes होता है, मतलब कि enzymes का एक action है, ये जो सारा process हो रहा है, तो ये भी एक action है. ये क्या करता है कि जो biochemical reactions हैं वो क्या हो सकें, high rate पर तभी होंगे जब temperature हमारे पास low होगा और प्रेशर जो होगा इतना होगा कि एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे वो टॉलरेट कर सके. इतना हमने प्रेशर रखना है, टेम्परेचर लो रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा देनी है. इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा. मतलब कि वो अपने ऑप्टिमम कंडीशन पे आ जाएगा, मतलब कि वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट आज का जो हमने लेक्चर डिस्कस किया अबाउट एंजाइम्स. तो ये बेसिक हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था एंजाइम्स से रिलेटेड. आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है, आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स की लिंक्स मिल जाएंगी. ठीक है जी, इसलिए उनको ज़रूर चेक कीजिएगा. आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है. लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को. इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको 3 फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट ज़रूर शेयर करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.